हाई एवरीबडी, वेलकम टू स्पेस क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाला हूँ। आपको पता है कि माई टीम कीप्स पुशिंग मी टू मेक वन वीडियो एटलीस्ट एवरी वीक, बट आई डोंट डू दैट। आई कम अप विद वन वीडियो इन 2 months, 3 months। यू नो वाई? द रियल रीज़न इज़ कि मैं यहाँ पर एडवाइस देना चाहता हूँ फॉर योर बेनिफिट, मगर हम लोगों की ना एडवाइस कोई लेता नहीं है। दो सम ऑफ यू माइट से कि हमने तो आपका वीडियो देखा था और वो वीडियो देख के हम आपके पास आए और हमने आपसे एडवाइस ली, प्रॉपर्टी खरीदी, हमें फ़ायदा हुआ। बट वी आर कॉल्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और रियल एस्टेट एडवाइजर्स, बट रियली स्पीकिंग वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली लिसन टू आवर एडवाइस। डिस्पाइट दैट मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले जितनी मेहनत आप प्रॉपर्टी सर्च करने पे करते हैं, आप वो मेहनत एक सही रियल एस्टेट कंसल्टेंट एडवाइज़र सर्च करने में करिए। आप प्रॉपर्टी इवैल्यूएट करने से पहले एक सही रियल एस्टेट ब्रोकर को पकड़िए। आप ये सोचते हैं कि आपको सब पता है, प्लीज़ आप गूगल पे सब अवेलेबल है, 99acres पे सब अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स में सब अवेलेबल है, बट जो एक एक्सपर्टीज़ है एक रियल एस्टेट एडवाइज़र की, क्योंकि वो ऑन द कोर्ट है एवरी डे और कई सालों से, कई दशकों से ऑन द कोर्ट है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ये पता करिए कि उसके कितने क्लाइंट्स ने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में जो प्रॉपर्टी खरीदी, उनके आज प्राइसेस क्या हैं। नॉर्मली आजकल क्या है, सब लोग देखते नहीं, इसने मुझे अच्छी सर्विस दे दी, इसने मुझे अच्छा डिस्काउंट दे दिया, इसने मुझे अच्छा प्राइस दे दिया, मैंने ले लिया। मगर वो उसके 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद पता चलता है कि क्या था उसमें अच्छा। सिर्फ एक अच्छी सर्विस थी, आपका चेक पिकअप किया, आपके पेपर पिकअप किए और आपके पेपर ड्रॉप किए, क्या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी या नहीं, ये क्वेश्चन करिए। फाइंड आउट कि अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट ने पिछले 15 सालों में 150 तरह की प्रॉपर्टी बेची है, उसमें से कितने प्रॉपर्टी के एक्चुअली प्राइस बढ़े, कितनी प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिलीवर हुई, ये चीज़ें बहुत कम लोग फाइंड आउट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बारे में फाइंड आउट करिए और मेरे पास ही आइए, आप किसी से भी प्रॉपर्टी लीजिए, बट आप प्रॉपर्टी सर्च करने के ऊपर जो एफर्ट डाल रहे हैं वो लगाइए 10% और 90% लगाइए टू फाइंड आउट अबाउट अ गुड प्रॉपर्टी एडवाइज़र। मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करिए। आप बोलेंगे कि कैसे फाइंड आउट करिए, सबसे पहले जाके उनके गूगल रिव्यूज़ चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो असली गूगल रिव्यूज़ हैं, नकली गूगल रिव्यूज़ हैं। आप उनके वेबसाइट चेक करिए, आप उनके रेफरेंस चेक करिए। आप जब जाके चेक करेंगे फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम में, कुछ कॉमन लोग निकलेंगे, उनसे पूछिए जो आपने प्रॉपर्टी ली थी उसका प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये मत पूछिए कि चेक कलेक्ट हो गया आपके यहाँ से, नहीं कलेक्ट हो गया, डिस्काउंट अच्छा दिया नहीं दिया, वो यूजलेस क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स जो आजकल लोग देते हैं वो सब मास्क है। मास्क समझते हो, दिखाने के लिए डिस्काउंट है, एक्चुअल डिस्काउंट नहीं है। तो आप बस ये देखिए कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर हुई नहीं हुई, उसमें प्राइस बढ़ा ना बढ़ा, एंड चेक योर प्रॉपर्टी एडवाइजर, देन इट इज़ अप टू यू, ट्रस्ट दैट पर्सन and see how you make money, because you are buying property to make money first, okay? So that's my advice to you, get yourself the right advisor. Thank you very much and see you once again. Bye-bye.